दोस्तों शाओमी ने एक नया कैटेगरी इंडिया में लॉन्च कर दिया है और वो है ये शाओमी वाटर प्यूरीफायर। ये एक वाटर प्यूरीफायर नहीं है बल्कि एक स्मार्ट वाटर प्यूरीफायर है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिया हुआ है जो आपने दूसरे वाटर प्यूरीफायर्स में नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस वीडियो में मैं आपको इस वाटर प्यूरीफायर की अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों ये वाटर प्यूरीफायर बेस्ट वाटर प्यूरीफायर अवेलेबल है इंडिया में आज की तारीख में। और अगर आप एक वाटर प्यूरीफायर खरीदने का सोच रहे हैं तो क्यों आपको शाओमी के वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। इस प्रकार से प्रोडक्ट को पैक किया हुआ है। आपको बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल मिलता है, इंस्टॉलेशन किट मिलता है, 3 फिल्टर्स मिलते हैं और साथ में प्यूरीफायर मिलता है। ये लीजिए, प्यूरीफायर इंस्टॉल हो चुका है और बॉक्स में आपको 2 पाइप्स मिलते हैं इन और आउट के लिए। और ये मेरा पुराना प्यूरीफायर है। ये जो वाटर प्यूरीफायर है दूसरे वाटर प्यूरीफायर्स के मुकाबले में काफ़ी अलग है। देख सकते हैं कि एक यूनिक लुक दिया हुआ है इसे और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है और एलिगेंट भी लगता है, मतलब कि किचन में भी ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगने वाला है, दूसरे वाटर प्यूरीफायर की तरह नहीं। शाओमी ने ये वाटर प्यूरीफायर खास इंडियन यूज़ के लिए बनाया हुआ है। इसमें कुछ खास फीचर्स है जो आपको दूसरे वाटर प्यूरीफायर्स में नहीं मिलने वाले हैं। फिलहाल तो ये जो वाटर प्यूरीफायर है सिर्फ वाइट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। ये काफ़ी स्लिम भी है और इसमें 7 लीटर का टैंक है जिसमें प्यूरीफाइड वाटर जमा हो जाता है। इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। आपको जो पावर है उसे प्लग इन करना है और बेसिकली ऑटोमेटिक है प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर 2 बटन्स दिया हुआ है, स्विच बटन दिया हुआ है और एक रीसेट बटन दिया हुआ है। रीसेट बटन का उपयोग करके आप जो वाईफाई है उसे सेटअप कर सकते हैं और ये जो स्विच बटन दिया हुआ है इसका उपयोग करके जो फिल्टर्स है उसे जब कभी आपको रिप्लेस करना है तो ये जो स्विच बटन है उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। अधिक जानकारी मैनुअल में दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये स्टोरेज टैंक है। इसकी कैपेसिटी 7 लीटर्स की है, 7 लीटर्स की। और ये देखिए, यहाँ से आप इस प्रकार से जो स्टोरेज टैंक में पानी भरा हुआ है उसे ग्लास में भर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, और इसे पी सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप बॉटल भर रहे हैं तो ये देखिए इस प्रकार से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, फिर इसे इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। ये लीजिए, वाटर प्यूरीफायर को मैंने ऑन कर दिया है और आप सुन सकते हैं कि मामूली सा आवाज़ आ रहा है। जब कभी वाटर प्यूरीफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और जो टैंक है उसमें पानी नहीं है, मतलब कि 7 लीटर तक पानी नहीं है, तो ये जो प्यूरीफायर है पानी को प्यूरीफाई करना शुरू कर देता है। और जो जब जो टैंक है वो 7 लीटर तक पानी भर जाता है तो जो प्यूरीफिकेशन प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से जो टैप वाटर है पाइप के ज़रिए फिल्टर में जाता है और जो फिल्टर्ड वाटर है वो टैंक में जमा हो जाता है और जो वेस्ट है वो इस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये देखिए, नीचे से प्यूरीफायर इस प्रकार का दिखता है और देख सकते हैं कि 2 पाइप्स हैं, एक है इनलेट पाइप और दूसरा है आउटलेट पाइप। ये जो टैंक है 7 लीटर का, इसमें UV स्टेरिलाइजेशन भी होता है। तो बेसिकली ये RO प्लस UV स्मार्ट वाटर प्यूरीफायर है। मी होम एप्लीकेशन का उपयोग करके आप इस मी स्मार्ट वाटर प्यूरीफायर को आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और ये लीजिए, अब जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है बंद हो गया है, मतलब कि जो टैंक है 7 लीटर्स का वो प्योर वाटर से भर गया है, इसलिए देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है बंद हो गया है। आवाज़ भी कम हो गई है, इनफैक्ट बंद हो गई है। और अगर आप यहाँ पे देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो TDS लेवल है टैप वाटर का, मतलब कि वो जो टैप वाटर है उसका TDS लेवल है 35 PPM, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट मैं नवी मुंबई में रह रहा हूँ और यहाँ का जो टैप वाटर है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मुझे एक्चुअली प्यूरीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसलिए रखते हैं, कभी कभार जो पानी है उसमें मड होता है या फिर इम्प्योरिटी हो सकती है, तो इसलिए वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 PPM टैप वाटर का TDS है। और ये देखिए, प्यूरीफिकेशन के बाद ये है PPM लेवल 001, मतलब कि कितना क्लीन पानी है आप इमेजिन कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से ही आपको आइडिया मिल जाता है कि जो 3 फिल्टर्स है वो किस लेवल पर चल रहे हैं। देख सकते हैं कि 99% पर है। जैसे ही इनका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है, मतलब कि जो फिल्टर्स है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो आपको जो फिल्टर्स है उसे खरीदना पड़ेगा। और जो भी फिल्टर्स आपको खरीदना है, इस प्रकार से आप देखिए बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मी होम एप्लीकेशन से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये जो प्यूरीफायर है ये काम कर रहा है या नहीं, और जो फिल्टर्स है इसमें वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और क्या आपको जो फिल्टर्स है उसे चेंज करना है या नहीं। ये जो प्यूरीफायर है ये खास इंडियन यूज़ के लिए बनाया हुआ है और इसमें कुछ और
यूनिक फीचर्स दिया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। खास करके जो फिल्टर्स हैं, ये जो फिल्टर्स हैं इसे आप खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्योरीफायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ में आपको एक और चीज़ लेनी पड़ती है, और वो है AMC कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको तकरीबन 3000 के आसपास का पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जो AMC है इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि कंपनी की तरफ से जो बंदा आएगा शायद वो साल में एक बार या दो बार आता है, और उस दौरान वो जो बंदा आता है वो जो फिल्टर्स है वाटर प्योरीफायर में उन फिल्टर्स को चेंज करता है, बस इतना ही करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर प्योरीफायर है उसे थोड़ा बहुत क्लीन कर देता है, इतना ही करता है। तो शाओमी ने इस वाटर प्योरीफायर में ऐसा किया हुआ है कि आप खुद ही फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए इस प्रकार से निकल जाता है, और एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि ये देखिए बहुत ही नीटली फिल्टर्स को यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये जो फिल्टर्स हैं इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब कभी आपको इन फिल्टर्स को रिप्लेस करना है तो इस प्रकार से आप इसे बेंड कर सकते हैं और इसे घुमा सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। वैसे मुझे फ़िलहाल तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल हुआ है और जो फिल्टर्स हैं एकदम फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। मी स्मार्ट वाटर प्योरीफायर की कीमत है 11,999 रुपये। अब मैं आपको ये जो फिल्टर्स है इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ और इनका प्राइसिंग के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि जो प्राइसिंग है, इनफैक्ट जो प्योरीफायर है उसका प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है और जो फिल्टर्स हैं उनका प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है PPC फिल्टर। ये जो फिल्टर है ये बेसिकली क्लोरीन, कलर, ओडर या कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा या हार्मफुल सब्सटेंस होगा पानी में, उसे निकालता है। और ये जो PPC फिल्टर है इसकी कीमत है 1,299 रुपये। और इसके बगल में है RO फिल्टर, बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर। ये जो फिल्टर है ये हैवी मेटल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऑर्गेनिक मैटर्स और अन्य इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्टर है। और ये जो फिल्टर है RO फिल्टर, इसकी कीमत है 1,799 रुपये। और आखिर में PAC फिल्टर है जो ओडर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को निकालता है। ये जो PAC फिल्टर है बेसिकली जो टेस्ट है उसे इम्प्रूव करता है, इसकी कीमत है 899 रुपये। ये जो फिल्टर्स है ये कितना चलने वाले हैं डिपेंड करता है कि आप कितना इस वाटर प्योरीफायर का उपयोग कर रहे हैं और कितना लीटर पानी इसमें प्योरीफाई हो चुका है। इनफैक्ट जनरली कहें तो एक साल तक आराम से चल जाना चाहिए। एक साल के बाद आपको जो फिल्टर्स हैं उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ फिल्टर्स जो हैं उन्हें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा और कुछ फिल्टर्स जो हैं उनका लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस वाटर प्योरीफायर में 7 लीटर्स का टैंक है। मान लीजिए पानी भरा हुआ है और लाइट जो है पावर चले जाती है तो भी आप जो भी टैंक में पानी भरा हुआ है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, और जब कभी लाइट आ जाएगी तो ये जो वाटर प्योरीफायर है ऑन हो जाएगा और फिर से जो लेवल है 7 लीटर्स पर लेके आएगा। इस वाटर प्योरीफायर को लगाने से पहले मैं एक्वागार्ड के प्योरीफायर का उपयोग कर रहा था जो कि काफ़ी सालों से अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि मुझे AMC कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता था, क्योंकि जो फिल्टर्स है उसे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर मैं आसानी से फिल्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इस फिल्टर का ये है कि ऐप के जरिए आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना TDS टैप वाटर में है और कितना प्योरीफिकेशन ये वाटर प्योरीफायर कर रहा है। जो पुराना वाटर प्योरीफायर था वो मुझे पता नहीं काम कर रहा था या नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था पता लगाने के लिए कि वो जो वाटर प्योरीफायर है वो फिल्टर कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चलता है ऐप के ज़रिए। तो दोस्तों, इस दिवाली अगर आप एक वाटर प्योरीफायर खरीदने का सोच रहे हैं तो आज के तारीख में मार्केट में शाओमी का मी वाटर प्योरीफायर, इनफैक्ट शाओमी का मी स्मार्ट वाटर प्योरीफायर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्योरीफायर का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, 11,999 रुपये। और ये जो फिल्टर्स है इनका जो कॉस्टिंग है लॉन्ग रन में वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, शाओमी का ये वाटर प्योरीफायर आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।